नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपके रिलेशनशिप में जो है एनर्जी क्या है, व्हाट्स हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। सिंगल पाइल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप भूल जाएं। रिलैक्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका ध्यान करें एंड लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी है। आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, गिव मी मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। उनके बारे में वो पूछ रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, एडवाइस, मैसेजेस। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप या आपके पार्टनर जो हैं वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, या तो बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन कम है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या इंसान जो है कहीं घूमने गए हैं या आपसे दूर हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो राइट नाउ आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है रिकंसिलिएशन कैसे करें, आपको जो है प्यार का मैसेज कैसे दें, अपने इमोशंस को जो है ये इंसान फाइनली एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आउल है यहाँ पे एंड ये जो क्वीन है वो उसका जो बॉडी है वो वाटर की तरफ है, वाटर इमोशंस हैं, इमोशंस इनके आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। फाइनली एक रियलाइजेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपसे ये इंसान प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं डर भी है कि आप शायद मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं। रात को नींद नहीं आती है, रात को सोते हैं तब आपके बारे में सोचते हैं। काफ़ी क्रिएटिव इंसान है, म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, पोइट्री, एक्सप्रेशन, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये इंसान बजाते होंगे। बहुत नर्चरिंग एनर्जी है इनकी, जब आपसे बात होती है या ओवरऑल आपको ऐसे लगता है कि ये बहुत केयरिंग इंसान है, अपने बारे में कम सोच के दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये इंसान जो है राइट नाउ, उनकी राइट नाउ की एनर्जी यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस ढंग से अपने जो फीलिंग्स हैं आपको व्यक्त करें या इजहार करें। अगेन एक एनर्जी है कि अब तक ये इंसान ने जो है आपको ओपनली कहा नहीं होगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या आपके लिए इमोशंस या फीलिंग्स हैं, तो उनके साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान जो है शायद मेरे से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं। ऑलराइट, फोर ऑफ सॉट्स की एनर्जी है, ये इंसान जो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये लोग जो हैं एक दूसरे के साथ, ये उनके साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप एक दूसरों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे या तो ये इंसान बीमार है, किसी जो कोई बीमार है उनका केयर कर रहे होंगे, या एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों में ब्रेक है। ये रिलेशनशिप, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ आज, ये इंसान जो है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इनको मुश्किल हो रहा होगा। आई एम अनेबल टू स्पीक टुडे, मुझे बात करने में मुश्किल हो रही है, राइट? तो ये इंसान जो है अपने सारे फीलिंग्स को ना अंदर दबा के रखते हैं, बाहर ओपनली जो है ये इंसान अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाते हैं।
ये रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सोच इमोशंस बहुत ज़्यादा है, उसके कारण ये इंसान जो है राइट नाउ थक चुके हैं। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे मे बी देर इज़ अ ब्रेक इन द रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं है तो बात बहुत कम होती होगी। ये इंसान जो है एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उन्होंने मे बी स्पेस मांगा है, टाइम आउट मांगा है, या आपसे थोड़ा सा दूर हो गए हैं, बिकॉज़ फाइनली जो है अपने इमोशंस को रियलाइज़ कर रहे हैं। आउल इज़ द एनर्जी ऑफ विजडम, फाइनली उनको जो है अपनी सच्चाई का इजहार हो रहा है। नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, ये इंसान ने आपको कभी कहा होगा कि ओवर थिंकिंग कम करो, मेडिटेशन करो, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी है कि खुद ये इंसान ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, अगेन उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रेडिशनल इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है सोच समझ के कदम उठाते हैं, जो बहुत सालों से, अरसों से, पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसको जो है ये इंसान अपने हाथ में पकड़ के वैसा ही चलना चाहते हैं। लोगों में इनका नाम बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, लोगों को गाइड करना, उनको डायरेक्शन देना, ऐसा इनका पोजीशन हो सकता है। अगेन जिस ढंग से कार्ड्स आए हैं उनकी फीलिंग्स यही हो सकती हैं कि ये इंसान फॉर सम ऑफ यू ऑल ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, है ना, या ऐसे इंसान हैं जो मे बी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। दिस पर्सन, ये इंसान जो है प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन वो प्यार को व्यक्त या इजहार नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हायरिफेंट मैरिज का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स मैरिड लेडी का कार्ड है। आप मैरिड हो सकते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, ये इंसान लिटरली वो फीलिंग्स को दफना रहे हैं, छुपा रहे हैं, खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ सोसाइटी से डरते हैं, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। तो ये जो है उनकी करंट फीलिंग्स हैं राइट नाउ, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान जिस ढंग से मुझे कार्ड्स यहाँ दिख रहे हैं, नेचर के बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के हो सकते हैं, किसी को दर्द नहीं देना चाहते। अगर ये आपसे सेपरेशन में है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है बिकॉज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे इस ढंग से ब्रेकअप करने से, या आपसे चीज़ों को ऑनेस्टली बात नहीं करने से आपको तकलीफ़ हो रही है, और उससे ये इंसान को भी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये इंसान जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं करेंगे बिकॉज़ ये सोसाइटी से बहुत डरते हैं। लेट मी फाइंड आउट ये इंसान के जो है आपके लिए इरादे क्या हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है आपसे इमोशनली बहुत प्यार करते तो हैं, लेकिन एक स्पिरिट, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी जो है आपसे बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अगर इनका बस चलता तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप में होते। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर आप ये आपके रिलेशनशिप में अगर ब्रेक है या सेपरेशन है तो ये इंसान डेफिनेटली एक नया स्टार्ट चाहते हैं। ये इंसान आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप दोनों ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान जो है उसके थ्रू आपको जो है बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते होंगे। ये इंसान शब्दों में कम और एक्शंस में ज़्यादा आपको उनके प्यार का या उनके फीलिंग्स का इजहार करते होंगे। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक उनमें एक पैशन है, एक एनर्जी है, ये उनकी इंटेंशन है, इरादे हैं। क्या वो उन पे एक्ट करेंगे? मुझे लगता है कि राइट नाउ ये इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे बिकॉज ब्लॉक्स में जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो है सोसाइटी, ऑलरेडी बीइंग मैरिड, लोग क्या कहेंगे। ये
जो प्रॉब्लम है या ये जो गुत्थी जो बन गई है इसको सॉल्व करने के लिए ये इंसान में वो एनर्जी नहीं है, लेकिन इरादे बहुत आपके लिए पैशनेट है, बहुत एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनको लगता है कि बस सब छोड़ छाड़ के जो है मैं आपकी तरफ आऊँ। देखो ये इंसान है ना उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे अगेन आई हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है तब दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, पैसा, घर। हम अब लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अगेन ये इंसान ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करें। बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, यहाँ पे बकरियाँ चर रही हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, दो चीज़ों को हाथ में बैलेंस कर रहे हैं। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पे नज़र बनाए हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये इंसान जो है ऐसे खुद को ये इंसान ने ऐसे समझाया है कि मैं जो थर्ड पार्टी है, जो भी है, अलग इंसान है, पैसा है, जो भी है, उनको तो मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे में इतनी लायकी है या इतनी काबिलियत है कि मैं दोनों दोनों पार्टीज़ को जो है बहुत आराम से मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इन्होंने जो है आपको यही कहा होगा कि डोंट वरी, ये दोनों चीज़ों को जो है मैं एक साथ मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऑनेस्टली ये कार्ड मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कार्ड में जो है इसका सिंबलिज्म जो है थोड़ा सा अलग है। ये इंसान की एनर्जी यही है कि ये रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना है, और जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा वो सब चीज़ों को मैं साथ लेके चलूँगा या चलूँगी। तो ये इंसान ऐसे हैं जो अपने थर्ड पार्टी से भी एक रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, एक अपना जो ड्यूटी है या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी बना के चलना चाहते हैं, और आपको भी साथ में रखना चाहते हैं। शायद ये आपको गवारा नहीं है, इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सम कार्ड्स जो हैं मैंने पहले ये टॉपिक पे निकाल के रखे थे, तो लेट्स सी। यहाँ पे डॉग है, लॉयल्टी है और डिटर्मिनेशन है। मैंने वही कहा था कि ये इंसान जो है चाहते हैं, इरादा इनका यही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कि मैं डिटर्मिंड हूँ, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और जो सिचुएशन है उसको भी जो है ये इंसान संभाल के रखना चाहते हैं। आप लोगों के पास या तो वाइट कलर का, गोल्डन कलर का डॉग हो सकता है, आपके पार्टनर के पास हो सकता है, लैब्राडोर हो सकता है, गोल्डन रिट्रीवर हो सकता है, वाइट है, गोल्डन है डॉग हो सकता है। ये इंसान जो है बहुत लॉयल हैं और बहुत डिटर्मिंड हैं, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं एक हाई पोजीशन पे होंगे, वर्क वर्क वाइज इनका पोजीशन, जॉब स्टेटस काफ़ी ज़्यादा होगा। ये इंसान बहुत आसानी से चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। जितना ये इंसान आपसे लॉयल हैं उतना जो है वो थर्ड पार्टी से भी लॉयल है। प्यार आपसे करते हैं तो वहाँ पे आप बेफिक्र रहिए, राइट। लेकिन ये इंसान जो है इनकी यही एनर्जी है कि क्यों मैं सबको संभाल के एक साथ नहीं चल पाता या चल पाती। तो ये इंसान बहुत डिटर्मिंड है कि लाइफ में डिटर्मिंड है, जो ये गोल सेट करेंगे वो सेट वो गोल को ये ज़रूर हासिल करेंगे। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते होंगे, टाइम आपके लिए कम होगा बिकॉज़ आपको भी मैनेज करना है, थर्ड पार्टी को भी मैनेज करना है, तो आपको शायद टाइम कम देते होंगे, लेकिन ये इंसान जो है बहुत फेथफुल हैं और बहुत लॉयल भी हैं। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। अगर ब्रेक है तो ये इंसान जो है रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिख रही है, स्लो मूविंग एनर्जी मुझे लग रही है, लेकिन आई थिंक कि ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ डेट पे जाए, एक रोमांटिक इवनिंग जो है आपके साथ शेयर करें। टॉक, टॉकिंग कीप्स योर रिलेशनशिप अलाइव। तो एडवाइस आपको यही है कि अगर राइट नाउ एक आप एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे आपको लगता है कि बात करके क्या फ़ायदा है, तो जिनके बारे में आप पूछ रही हैं ये इंसान जो है आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते होंगे या आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, लेकिन जो भी आप बोलते हैं ये सब ये इंसान रजिस्टर करता है। बहुत समझदार, बहुत होशियार इंसान है ये। तो
अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो डिवाइन आपको यही गाइड कर रहा है कि आप उनसे बात करें। ये इंसान को अगर आप बोलेंगे तो ही ये करेंगे। ये इंसान को इमोशनल एक्सप्रेशन जो है ना, अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने में ज़्यादा हिम्मत नहीं है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। जितना वो आपको फिज़िकल टच, फिज़िकल एक्शन से अपने प्यार को एक्सप्लेन करते हैं, उतना वो ये इमोशन से नहीं कर पाते। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप उनसे बोलें और एक्सप्रेस करें कि आपको क्या चाहिए है। दिस विल कीप द रिलेशनशिप अलाइव। एंड देन एडवाइस फ्रॉम द डिवाइन इज डोंट सेटल फॉर लेस। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। डोंट गिव अप। बहुत अच्छा मैसेज है। टॉक, यस, आपने बात करनी है, लेकिन आपने एक ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ पे आपको अपना वैल्यू और आपका वर्थ पता होना चाहिए। अगर कम के लिए सेटल नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना कि यार अगर मैं मेरे इंसान को बोलूँगी कि मुझे ये चाहिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं मानेंगे या मानेगी तो मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा नहीं करना है। जो आपकी सच्चाई है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जो आप अपने प्यार से एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो इन रिटर्न आप उतना देते भी होंगे, है ना। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको जो है आपने पूरी तरह आपके इंसान को बताना है। लेस के लिए सेटल नहीं करना है। थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, अपने इंसान को बोलो कि भाई विन विन सॉल्यूशन निकालना है। जो भी आपकी है, आप उनसे टाइम ज़्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके मैसेजेस को एटलीस्ट रिप्लाई करे। ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे यू नो तीन तीन चार चार दिन, दस दस दिन आप लोगों में बात नहीं होती है, एकदम से फिर ये इंसान का मैसेज आता है कि चलो मिलो, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि चल क्या रहा है, ऐसे कैसे अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप 10 दिन तक मेरे से बात नहीं कर पाते। तो जो भी आपकी एनर्जी है, आपने जो है उनको क्लियरली बताना है कि दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग, एनर्जेटिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है और मुझे कम से कम जो है रिलेशनशिप में इतना चाहिए है। ऑल राइट, ये इंसान के राइट नाउ आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, लेट्स सी वॉट आर द मैसेजेस। ये इंसान राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं हम वो मैसेजेस में देखेंगे। Losing you is my biggest regret. I feel totally lost and alone now. You deserve better than me. तो उन for some of you all ये resonate होगा जो separation में है या आपने decide किया है कि आपको ये relationship में नहीं रहना है। आप जो ये इंसान आपको दे सकते हैं आप वो accept नहीं कर रहे हैं। तो right now आपके इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको खोना मेरे life का सबसे बड़ा regret था। Regret को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, दुख है, सैडनेस, रिग्रेट। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना रिग्रेट को क्या बोलते हैं। आई फील टोटली लॉस्ट एंड अलोन। ये इंसान बहुत खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। इनको पता है कि जो एक रिश्ते में आपको देना चाहिए था ये नहीं दे पाए, कहीं और बिजी थे और आपका डिसीजन जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन बहुत उदास हैं, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड मी बेटर देन एनीवन एल्स। योर आईज कैन सी इनटू माय सोल। आई कांट हाइड फ्रॉम यू। इनको ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में बस एक आप ही हैं जो इनको समझ सकते हैं और आप जो है इनकी रूह को पहचानते हैं, इनकी सोल को पहचानते हैं, और जो भी ये फील कर रहे हैं ना ये आपसे छुपा नहीं पाएंगे। या आप जो है इनको यू रीड देम लाइक अ बुक, इनके मन की बात जो है आप एकदम से समझ जाते हैं। आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड विद यू अंटिल इट वाज टू लेट। हैव यू मूव्ड ऑन और डू आई स्टिल हैव अ चांस विद यू। ये ओवरऑल रीडिंग मुझे यही लग रहा है कि उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप सेपरेशन में हैं या ब्रेक में हैं। वापस उनका यही मैसेज है कि इनको ये एहसास नहीं था कि आई डिडंट रियलाइज कि जब इन्होंने आपको खो दिया ना तभी इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने सच में अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है। और अब ये डरते हैं कि आप शायद मूव ऑन तो नहीं हो गए हैं या शायद इनके साथ
आपका एक सेकेंड चांस है या नहीं। तो डेफिनेटली ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ डेट नाइट चाहते हैं। आप जो है अपने सिचुएशन को देखें, मे बी बात करने से चीज़ें बेटर होंगी या नहीं आपको देखना चाहिए। अगर आप आपके सिचुएशन से कंफ्यूज हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टैरो रीडिंग के लिए, और एनीवन एल्स जिनके पास आप जा रहे हैं उनके पास जा सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान की एनर्जी जो है, इनके इरादे जो हैं एस ऑफ वांड्स के हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। कैसा करना है आप शायद इनको समझ नहीं आ रहा है, राइट? बट ऑल इन ऑल आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान प्यार करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपके साथ लॉयल है, फेथफुल है, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।